उनका बोलने का तरीका या उनसे बात करने में हमें मज़ा आता है, उनकी बातचीत हमें मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगती है। ऐसा क्यों, why this happens? ऐसा क्यों होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कुछ ही लोग से बात करना बहुत पसंद है और कुछ लोगों से बात करना नहीं पसंद है? अब इस चीज़ का ये कुछ ट्रिक्स होते हैं विच पीपल अप्लाई सो दैट उनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली यही कुछ ट्रिक्स जो आप भी अप्लाई करके अपने कॉन्वर्सेशन को, बातचीत को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, साथ ही साथ किसी से भी बात कर सकते हैं। सबसे पहला टिप इस बॉडी लैंग्वेज। यस, अब जब मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करती हूँ तो इसमें से तीन बेसिक चीज़ें आती हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ योर स्माइल। स्माइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्माइल हर समय करना, बार बार करना या फिर ओवरडो करना, इट्स नो नो। ओके, सो जब भी आप किसी से बात करें स्माइल तो ज़रूर करें, लेकिन ओवरडो ना करें। लेकिन एक जेन्युइन इनोसेंट सा स्माइल ज़रूर आपके फेस पे होना चाहिए। सो स्माइल इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इज योर आई कॉन्टैक्ट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आई कॉन्टैक्ट, इसका मतलब ये होता है कि जिससे आप बात करें उससे आई कॉन्टैक्ट ज़रूर मेंटेन करें। उससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आप आई कॉन्टैक्ट ना मेंटेन करके इधर उधर या नीचे या ऊपर देखोगे तो इससे या तो इंसान को, सामने वाले को लगता है कि आप या तो नर्वस हो या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप आँखों में आँखें डाल के बात कर सको। तो इसको भी अवॉइड करें और कोशिश करें कि आई कॉन्टैक्ट ज़रूर मेंटेन करें। एंड देन थर्ड वन इज़ योर पोस्चर। बॉडी पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप सिटिंग पोजिशन में हो या फिर आप स्टैंडिंग हो, जिस तरीके से भी आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं आपका पोस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कभी भी ऐसे आर्म्स क्रॉस करके नहीं बात करना है। इफ़ फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ऐसे बात करूँ तो शायद मेरी वीडियो में आपको मजा आए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आर्म्स को ओपन अप करके बात करें। इससे लगता है कि सामने वाले व्यक्ति में आप इंटरेस्टेड हो। ऑलवेज ओपन योर आर्म्स। एंड सेकेंड थिंग, आपका जो बैक शुड बी स्ट्रेट। बैक स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्लाउच करके ऐसे बात करोगे तो ये लुक्स बैड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टिप, नेक्स्ट ट्रिक, व्हाटएवर यू से। सो नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है आपको सामने वाले व्यक्ति में इंटरेस्ट दिखाना। यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। अब बी इंटरेस्टेड से मेरा क्या मतलब? एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से मिले और आपने उसको जाके बोला, हे हाय कर लो, पता है मैं वो एक्स वाई जी मॉल में गया था। आपके दोस्त ने रिप्लाई किया, ओ अच्छा उस मॉल में, अरे मैं भी गया था, मैंने ना अपने लिए ब्लैक कलर की शॉर्ट ली है, बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें दिखाऊँगा। वो ब्लैक कलर की शॉर्ट एक्सपेंसिव थी बट मुझे इतनी पसंद थी ना कि मैंने ले लिया। अब इस कंडीशन में ये जो आपका फ्रेंड है वो अपनी बात सुनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि आपकी बात सुनने में। और ऐसे लोगों से हमें बात करने में मज़ा नहीं आता क्योंकि वो आपको नहीं सुन रहे। लेकिन अगर आपके इस फ्रेंड ने आपके बात को कुछ ऐसे बोला होता तो, अरे तुम उस मॉल में गए थे, कैसा था वो मॉल, कैसा लगा, और तुमने क्या क्या लिया, अरे वाह चलो मैं भी देखता हूँ, मैं भी जाऊँगा। अगर आप ऐसे बात करोगे तो सामने वाले व्यक्ति जो है उसके बातों को लगेगा, उसे लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। और यही चीज़ लोगों को पसंद है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं, वो अपनी ही बात करते हैं और सामने वाले की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। और यही हमें करना है, हमें दूसरों की बात सुनना है। और इस कारण होता ही है ना कि हमारा उनसे रिलेशन अच्छा होता है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, क्लोजनेस आती है। तो लोगों की बात को सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू देम, अंडरस्टैंड देम, एंड देन अपनी बातों को भी समझाइए। सो ये एक स्टेप होता है जिससे आप इंटरेस्टिंग लगेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि आप उनकी बातों को पेशेंटली सुनते हैं। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में इम्पॉर्टेंट ये है, दैट इज़ योर वॉइस टोन। अगर सपोज़ करो मैं आपसे इसी तरीके से बात करूं तो क्या आपको मज़ा आएगा बात करने में? मैं ऐसे ही बोलती जाऊँ आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं अपने बातों को, अपने वॉइस के टोन को अप डाउन सिचुएशन के हिसाब से,
जिस पर मैं स्ट्रेस देने वाली हूँ वैसे बात करूँ तो आपको शायद ज़्यादा मज़ा आए। राइट टू वॉइस टोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके बातचीत में। अगर आप मोनोटोनस एक ही वेरिएशन में बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा बोर हो जाएगा, उसे मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हम अपने वॉइस में थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा सॉरोनेस, थोड़ा चेंजेस लाएँ तो हमारे बात, हमारी जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो वॉइस टोन नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? लिसन, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस ये होता है, आई लेट यू एक्सप्लेन। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका दोस्त आया आपसे कह रहे हैं यार मेरी फ़ोन चोरी हो गई। आपने बोला क्या बात कर रहे हो, फ़ोन चोरी हो गई? कोई बात नहीं यार, नया ले लेना, क्या करूँ आजकल तो हो ही रहा है। अभी इसके बजाय ये आपने जो किया वो था सिंपैथी किया, उन्हें सांत्वना दिया, वो आपने फ़ोन चोरी की, हमें दुख हुआ, दूसरा ले लेना है नॉर्मल। लेकिन आपको करना है एम्पैथी। एम्पैथी में करना ये है कि आपको इमेजिन करना, अगर उसकी जगह आपकी फ़ोन चोरी हो गई होती तो आप कैसे रिएक्ट करते, आपका पहला क्या रिएक्शन होता, किस तरीके से आपका माइंड काम करता। और सेम वही चीज़ उस अपने दोस्त को भी बताना है ताकि उसे लगे कि आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उसकी फ़ोन चोरी हो गई और आपको जेन्युइनली बुरा लग रहा है, तो उस हिसाब से अपने बातों को उसके सामने रखें। तो एम्पैथी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट क्रिएट्स अ गुड बॉन्ड और आपको सामने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा इंप्रेशन देगा। यस, अभी नेक्स्ट आई गेस फिफ्थ पॉइंट इज आर्ग्यूमेंट वर्सेस डिस्कशन। आप उन लोगों से ज़्यादा बात करना चाहते हैं जो आपसे आर्ग्यू करते हैं, या फिर उन लोगों से आप ज़्यादा बात करते हैं जो आपके साथ डिस्कशन करते हैं? ऑब्वियसली डिस्कशन सिंपल सी चीज़ है, आर्ग्यूमेंट से कोई जीत हार नहीं होती। लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है, एक ओपिनियन मिलता है और साथ ही साथ दोनों के बीच का एक बॉन्ड अच्छा बनता है, प्यारा बॉन्ड बनता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डिस्कस करें ना कि आर्ग्यू। और गुड कम्युनिकेटर जो होते हैं दे कभी भी नोटिस करेगा तो दे डिस्कस, दे डोंट आर्ग्यू। तो करना क्या है इसके लिए प्रो टिप दे रही हूँ कि जब भी आपसे कोई गुस्से में या थोड़ा बहस के टोन में बात करे, पहली बात तो आप पेशेंटली उसकी बात को पूरी सुनिए, विदाउट उन्हें इंटरप्ट किए सुनिए पूरा। सुनने के बाद आप अपना पॉइंट रखिए, लेकिन इस तरीके से आपको अपना पॉइंट रखना है कि आप उसके पॉइंट से या आप उनसे फाइट नहीं करना चाहते, आर्ग्यू नहीं करना चाहते। हम ये कैसे कर सकते हैं? हम आर्ग्यू तभी करेंगे, नहीं करना होगा तब पहली अग्री, अग्री कर लेना। अग्री करने का मतलब है कि सपोज़ आपके दोस्त ने आपसे कुछ बात बोली गुस्से में, आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, आई नो मैं अग्री कर रहा हूँ तुम्हारी बात से, बट उस समय मैं जिस सिचुएशन में था मुझे लगा वही करना सही होगा, दैट्स वाई मैं वो नहीं कर रहा। अब इस सिचुएशन में क्या आपका दोस्त आपसे बहसेगा? नहीं, वो डिस्कशन पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू, पहले ही आप अग्री कर जाओ तो आर्ग्यूमेंट का कोई चांस ही। सो दीज वर द पॉइंट्स एंड वन मोर लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू ऐड इज दैट अवॉइड फिडजेट। और व्हाट इज इट कि जब भी आप किसी से बात करते हो ना तो ज़्यादा फिडजेट ना करें, इससे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप थोड़े नर्वस हो। सो कॉन्फिडेंस को लेवल में रखने के लिए स्क्रैच करना, इधर स्क्रैच करना, नोज टच करना अवॉइड करें, दिस शोज यू आर वेरी वेरी नर्वस। सो यस, दीज वर द पॉइंट्स, अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस करिए सो दैट आप अपने बातचीत से दूसरे को भी इम्प्रेस कर पाओ और अपनी बातचीत से दूसरों को और ज़्यादा अच्छी क्लोज ना आओ। सो यस, दीज वर द होल पॉइंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।